नमस्कार दोस्तों, रॉक ओवर जी पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 3 और Realme 3i के नवंबर महीने के अपडेट्स के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जो अपडेट है वो रोल आउट होना शुरू हो चुका है, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ मतलब मिलेगा। वो तो मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली मैंने नहीं दिखाया, तो आज मैं आपको सब कुछ स्क्रीनशॉट जो भी वीडियोज़ मेरे पास है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको जो है सब कुछ बताऊंगा कि ये अपडेट जो है आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले नहीं, उससे पहले हम वीडियो में आगे बारे में आपको बताना तो कि इसका मैनुअल लिंक भी आ चुका है। तो अगर आपको OTA मतलब अगर आप नहीं कर सकते वेट OTA के लिए, तो आप जाओ इसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे पहुंच जाओगे इसी पेज के अंदर जो कि ऑफिशियल Realme सॉफ्टवेयर अपडेट का पेज। जैसे आप यहां पे पहुंचोगे थोड़ा सा यहां पे नीचे आ जाओ, और आपके आपको यहां पे मिल जाएगा Realme 3 और 3i का अपडेट। ये देखो Realme 3i का अपडेट, और नीचे आप आओगे तो आपको मिल जाएगा Realme 3 का अपडेट। मैनुअल डाउनलोड की साइज यहां पे है 2.04 GB की, तो आप अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप जाके कर सकते हो। अगर आपको मैनुअल फ्लैश करना नहीं आता तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, देता हूँ ऊपर आई बटन में, नीचे भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको OTA के लिए वेट करना है तो कर लो, 226 MB की साइज है, आपको जो है बहुत ही जल्द OTA देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने तो आपको सब कुछ बता ही दिया, अब हम चलते एक एक फीचर्स की तरफ, देखते हैं कि Realme 3 में अपडेट करने के बाद आपको जो है किस तरीके का लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करें अगर हम सिक्योरिटी पैचेस की, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एंड्रॉइड का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि नवंबर महीने का। तो ये रहा उसका एक स्क्रीनशॉट अबाउट फोन का, जहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल नंबर RMX1825, और नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच और साथ में A.24 वाला वर्जन। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले फीचर की ना, तो यहाँ पे है लॉकडाउन मोड को लेके। अब यहाँ पे दोस्तों ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, अगर आप अपने पावर बटन को थोड़ा सा प्रेस करके रखोगे आपको मिल जाएगा ऊपर लॉकडाउन मोड का ऑप्शन, उसको आप आराम से जो इनेबल कर सकते हो। तो ये लो उसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले फीचर की ना, तो यहाँ पर दोस्तों है डार्क मोड को लेके। अब देखो डार्क मोड को आपको इनेबल करने के लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले सेटिंग में, उसके बाद दोस्तों आप नीचे आओगे आपको मिल जाएगा Realme लैप का एक ऑप्शन। अब जैसे Realme लैप पे क्लिक करोगे आपको डार्क मोड का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा डार्क मोड का एक स्क्रीनशॉट, मतलब डार्क मोड पेज का एक स्क्रीनशॉट। और ये देखो कुछ और एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट, जहाँ पे फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर, गूगल क्रोम वगैरह आप देख लो, साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट के पेज का भी है। तो ये रहा कुछ डार्क मोड के स्क्रीनशॉट। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले फीचर की ना, तो यहाँ पे है डिजिटल वेलविंग। तो इसके अंदर आपको अभी वाइंड डाउन मोड, आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। तो जो जो फीचर्स आपको मिलता है डिजिटल वेलबिंग में, सभी फीचर्स आपको जो है अभी Realme 3 और 3i में देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले फीचर की ना, तो यहाँ पे जो बैटरी का इंटरफेस है उसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, साथ में जो स्क्रीन ऑन टाइम वाला फीचर है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप देख लो। तो ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, आप क्लियरली देख सकते हो, आपको नीचे जो है स्क्रीन ऑन टाइम में नजर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम अगले फीचर की ना, तो एडेड ऑप्शन फॉर नोटिफिकेशन डॉट, मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, मान लो कि आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर से अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो एक रेड डॉट बना हुआ नजर आ जाएगा। तो छोटा सा अपडेट यही है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम अगले अपडेट की ना, तो यहाँ पे है क्लोन ऐप्स को लेके। तो अभी अगर आप जाओगे अपने क्लोन ऐप्स वाले पेज पे, मतलब ऑप्शन पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेटीएम, फोनपे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का ऑप्शन। मतलब अभी आप जो है इन चार एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हो, पहले आप नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ इस अपडेट को करने के बाद में आप जो है इसको आराम से कर सकते हो। मतलब ये जो पर्टिकुलर चार ऐप्स मैंने आपको बताया इसको आप जो है क्लोन कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले फीचर की ना, तो यहाँ पे जो क्लॉक विजेट है उसको जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे पहले ये वर्टिकल में होता था अब ये जो हॉरिजॉन्टल में होगा। तो ये लो उसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो यहाँ पे है एडिट डेट एंड वेदर विजेट, मतलब कि जो एट ए ग्लांस वाला विजेट है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लो उसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद दोस्तों जो स्मार्ट असिस्टेंट है उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा रीडिजाइन कर दिया गया है, जहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ये रहा आपके सामने। तो ये लो भैया स्क्रीनशॉट। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम नोटिफिकेशन सेंटर एंड स्टेटस बार की ना, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, जहाँ पे आपको जो है अभी कलर वाइज 6.0.1 जैसे नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये लो उसका स्क्रीनशॉट। इसके अलावा दोस्तों स्वाइप लेफ्ट और राइट तो आपको पता ही है, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो आप उसको लेफ्ट में स्वाइप करो या राइट में स्वाइप करो, आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों एडेड ऑप्शन टू स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, तो ये लो एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे ऐसे आपको जो इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा फीचर मिलेगा, मतलब कि होम स्क्रीन से अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है वो नीचे आ जाएगा। और दोस्तों साथ में जो हॉटस्पॉट इनेबल करने के बाद में रूट को फ़ोन को रूट करने के बाद में जो ऊपर नोटिफिकेशन मतलब ब्लिंकिंग आता था ना एक रेड कलर का ब्लू कलर का, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है।
और कुछ तो ज़्यादा है नहीं। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो चार्जिंग एनिमेशन है उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो ये लो उसका भी स्क्रीनशॉट चार्जिंग एनिमेशन का। तो इतना ही था दोस्तों इस अपडेट में, और ज़्यादा कुछ आया नहीं है। साथ में स्वाइप अप जो जेस्टर्स थे ना उसके बारे में मुझे नहीं पता। साथ में दोस्तों और भी कुछ फीचर्स आने वाले थे जैसे कि इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके बारे में भी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ जो जो मैंने आपको फीचर्स बताया और स्क्रीनशॉट जैसे मैंने दिखाया, अगर आप अपडेट करते हो इसी 8.24 को, आपको भी ये सारे फीचर्स जो है आपके रियलमी 3 और 3i में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं थीम स्टोर की ना, तो थीम स्टोर वही पुराने वाला है 6.4.0। आप अभी फ़ॉन्ट को चेंज नहीं कर पाओगे रियलमी 3 और 3i के अंदर, क्योंकि जो 6.4.2 वाला थीम स्टोर है वो अवेलेबल नहीं किया गया है। लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास उसका लिंक है। अगर आपको डाउनलोड करना है 6.4.3 थीम स्टोर रियलमी 3 और 3i के लिए, तो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस थीम स्टोर 6.4.3 का लिंक, जाके भैया डाउनलोड कर सकते हो। और एक वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा, जिसको आप देखने के बाद में आप समझ जाओगे कि डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है, फ्री फॉन्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने बता के रखा है, नीचे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके जो है चेकआउट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ बग्स की ना, तो जो पहला बग है वो तो यहाँ पे व्हाट्सअप बग। अब सभी को पता ही होगा कि रियलमी के जितने भी फ़ोन्स हैं सबके अंदर डार्क मोड आने के बाद में एक व्हाट्सअप बग आया है, जो कि अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड भी वाइट है और जो फॉन्ट है वो भी यहाँ पे वाइट है, तो इस वजह से जो आपको मैसेज है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो ये बग है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम बैटरी ड्रेन इशू की ना, तो बैटरी ड्रेन अभी भी हो रहा है, वो इशू जो है फिक्स नहीं हुआ है। तो बैटरी ड्रेन अभी भी हो रहा है, तो अपडेट करने के बाद में आपका जो इशू है फिक्स नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों एक यूज़र है जिसने रियलमी कम्युनिटी ऐप पे एक पोस्ट करके ये बताया कि जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हो चुका है, इंक्रीज तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा डिक्रीज हो गया। उसने एक गीक बेंच टेस्ट किया है और उसके बाद जो स्कोर्स आए ना, वो पहले का जो अपडेट था 8.22 उससे भैया थोड़ा सा कम है जो स्कोर्स है, बहुत मतलब तो बहुत ज़्यादा नहीं ना, थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब जो अपडेट करने के बाद में आपका जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन हाँ रियल लाइफ में शायद आप इसको मतलब महसूस नहीं कर पाओ, लेकिन हाँ डिक्रीज़ थोड़ा सा हो जाएगा। और पबजी की बात करें तो हाँ पबजी भी सही से चल रहा है, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और फ़ोन तो है नहीं मेरे पास, वरना टेस्ट वगैरह सब कुछ कर देता। लेकिन हाँ जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। और उसका जो मैनुअल लिंक है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और हमेशा स्मार्ट रहिए।